जैसा कि आपने हमारे लेक्चर 1 और 2 में चैप्टर नंबर NCERT के एनिमल टिश्यू का एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू पार्ट देख ही लिया होगा, तभी आप लेक्चर नंबर 3 पे आए हैं, मैं ऐसे ही आपसे आशा करता हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर 3रा है जो हमारा ये मसल टिश्यू पे है जो कि NCERT में है। इसका जो कुछ पार्ट है वो तो इसमें है और जो कुछ पार्ट है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट में है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इस चैप्टर के बारे में जानेंगे जिससे कि हमारा जो चैप्टर नंबर 20 है उसके बारे में हमको इंटरेस्ट बढ़े उस चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब हम आज की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हम इस चैनल पर सिर्फ NCERT को ही कवर करेंगे क्योंकि जो 2019 का पेपर है वो पूरा ऑल ओवर द NCERT से ही आया है, बस कुछ 2-4-5 क्वेश्चन छोड़ के। ठीक है, क्योंकि हमको नीट में अच्छा स्कोर करना है तो हमको NCERT करके रखनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं जानता हूँ कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है और आपको मतलब पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी और एनजाइटी भी हो रही होगी नीट कब होगी, तो जल्दी ही होगी नीट, ऐसे ही हम आशा रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मस्कुलर एपिथीलियम हम इस मतलब पढ़ेंगे क्या, पहले हमने पढ़ा था एनिमल टिशू 4 टाइप के होते हैं, कनेक्टिव टिशू, एपिथीलियल टिशू, मसल टिशू एंड न्यूरल टिशू। ठीक है, जिनमें से हमने 2 कंप्लीट कर लिए थे, एपिथीलियल टिशू एंड कनेक्टिव टिशू। आज हम मसल टिशू को देखने जा रहे हैं। मसल्स क्या होते हैं? मसल जो होती है हमारे जो लाइफ होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो हमारे लोकोमोशन में हेल्प करती है, वो हमारे किसी भी काम में या किसी भी मतलब चीज़ को उठाने में या फिर मतलब वजन उठाने में मदद करती है, इसलिए मसल्स का बहुत ज़रूरी रोल है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मस्कुलर एपिथीलियम क्या होता है। ईच मसल इज़ मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन ए पैरेलल अरेंज। क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं वो स्मॉल स्मॉल मायोफिलामेंट से बनी होती है। देखो, मसल की स्मॉल यूनिट फैसिकुलाई होती है, फिर फैसिकुलाई से स्मॉल यूनिट होती है मसल फाइबर, फिर मसल फाइबर से स्मॉल यूनिट होती है मायोफाइब्रिल, और फिर मायोफाइब्रिल से नीचे होती है। जो मायोफाइब्रिल होते हैं वो किससे बन के बने होते हैं? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो हमारी सबसे जो शॉर्टेस्ट यूनिट हुई वो मसल फाइबर हुई। ठीक है, वो मसल फाइबर जब पैरेलली अरेंज होते हैं किसी भी जगह पे तो वो मसल्स का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, दीज फाइबर्स आर कंपोज ऑफ न्यूमरस फाइन फाइबर्स आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। जैसा कि मैंने बताया था, मसल फाइबर्स किससे बने होते हैं? मायोफाइब्रिल से, और मायोफाइब्रिल एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मसल्स, पहले देखो मसल्स, फिर फैसिकुलाई, फिर मसल फाइबर और फिर मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल किससे बने होते हैं? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन, रिस्पॉन्ड टू सिमुलेट देन रिलैक्स एंड लेंथन एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड कॉल्ड कोऑर्डिनेट फैशन। अब ये कोऑर्डिनेट फैशन क्या होता है? जब कोई मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो वो अपने बाप पे जब रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होगी कोई चीज़ तो सुकड़ेगी और सुकड़ने से छोटी हो जाएगी, जबकि जो रिलैक्स होती है जब उसमें फैलती है तो लेंथ में फैलती है ना मसल्स। जैसे देखा होगा आपने, जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उसकी मसल्स पंप अप हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम उस रिलैक्स और एक संग होने को कोऑर्डिनेट फैशन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मसल्स एपिथीलियम। मसल्स में जो एपिथीलियम होती है वो क्या होती है? देयर एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट टू चेंज इन दी एनवायरमेंट एंड मेंटेन दी पोजिशन ऑफ दी वेरियस पार्ट ऑफ दी बॉडी। क्या होता है कि जो मसल्स का होता है, मसल्स में जो वो होता है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट लेग्स होती है तो वो अपने एनवायरमेंट के, जैसा आपका एनवायरमेंट है, अगर आप किसी भी सुकड़ी जगह पे हो तो आपकी मसल्स होंगी वो सुकड़ जाएंगी, अगर किसी भी आप जगह मतलब फ्री बैठे हो तो मसल्स रिलैक्स होंगी अच्छी तरीके से, इसलिए मसल्स का एनवायरमेंट में रोल बहुत अच्छी तरीके से पड़ता है। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। जैसा कि मैंने बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में कि जो मसल्स होती हैं वो मूवमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, क्योंकि जो मसल्स की वजह से ही इंसान इधर उधर मूव कर पाता है, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो ATP लेती हैं और वर्क करती हैं। ठीक है,
मसल्स आर दी थ्री टाइप, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। इस चैप्टर में हम मसल तीन टाइप की पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। जिनमें से जो स्केलेटल मसल होती है वो होती है वॉलेंट्री, जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है। और जो स्मूथ और कार्डियक मसल होती है वो इन्वॉलेंट्री होते हैं, वो हमारे ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल हो पाती है, ठीक है। ये देखिए ये डायग्राम, ये देखिए ये मायोफाइब्रिल दिख रहा है आपको, और ये जो पूरी यूनिट है मायोफाइब्रिल की, इसको हम सैक्रोलेमा बोलते हैं। ये जो आपको कवरिंग दिख रही है ना ऊपर से, इसको हम सैक्रोलेमा बोलते हैं, यानी जो सैक्रोमियर होती है उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको सैक्रोलेमा कहते हैं, ठीक है। इसमें दो तरह के होते हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड, जो कि हम आगे चैप्टर नंबर 20 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो ये सब नोट्स हैं मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स। हमने मतलब मसल्स कितने टाइप की देखी थी, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। जिनमें से हमने बात करी थी स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती हैं, हमारे कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स टिशू इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो स्केलेटल बोन्स से मतलब टाइट पास अटैच होती हैं, ठीक है। इट इज़ अ टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप, स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल्स, फाइबर एंड बंडल अरेंज इन पैरेलल फैशन। हमने जैसा कि आपको बताया था लेक्चर में, अगर कोई भी अगर मायोफाइब्रिल अगर पैरेलली अरेंज हो जाए मसल फाइबर, तो वो मसल्स कहलाता है। और ये जो मसल्स होती हैं अगर वो स्केलेटल सिस्टम के पास अटैच होंगी तो वो स्केलेटल मसल्स कहलाएंगी, ठीक है। ए शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लोजेज द सेवरल मसल्स कॉल्ड मसल फाइबर। अब मसल फाइबर क्या होता है कि ये जो मसल्स होती हैं इसके उसके ऊपर एक टफ सी कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसको हम मसल फाइबर्स कहते हैं। जैसा कि ये मसल है, तो रुक एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसके ऊपर हमने कवरिंग बना दी, तो ये जो कवरिंग हुई जो मैंने ग्रीन से डिनोटेट करी है ये होती है मसल फाइबर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है तो आपके पास यूट्यूब ने आपको एक बटन दे रखा है, उधर से आप मेरी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ अपना, देखिए ये डायग्राम देखिए, ये एक्चुअल जो स्केलेटल टिश्यू है उसका डायग्राम है, और ये जो एनसीईआरटी में ये जो मसल दिख रही है आपको, इनमें लाइनिंग दिख रही होगी ये बीच बीच में, इसको हम स्टार्ट्रेशन कहते हैं, और जो ये होता है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात आती है हमारी स्मूथ मसल, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो कि इनवॉलेंट्री होती है। दी स्मूथ मसल फाइबर्स ट्रैप्ड एट बोथ एंड फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म क्या होता है, जो दोनों सिरे से नुकीली जो मसल्स होती हैं उनको हम फ्यूजीफॉर्म बोलते हैं, जिसके जो सिरे दोनों नुकीले हों। जैसा कि आपको मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगा, दे डू नॉट शो स्ट्रेशंस, ये मतलब प्लेन नहीं होती हैं, ठीक है। सेल जंक्शन होल्ड देम, एक मिनट, सेल जंक्शन होल्ड देम टुवर्ड एंड दे बंडल टुगेदर ए कनेक्टिव टिश्यू। ये जो होती हैं ये एक संग होल्ड होके एक कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं, कनेक्टिव टिश्यू की शीट बनाती हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, वॉल ऑफ इंटरनल्स ऑर्गन की पाई जाती है, सच एज ब्लड वेसल्स की वॉल में पाई जाती है, इंटेस्टाइन की वॉल में। और स्मूथ मसल्स आर इन्वॉलेंट्री, जैसा कि मैंने बताया था स्मूथ मसल्स कैसी होती है, इन्वॉलेंट्री होती है, ठीक है। एज देयर फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, क्योंकि जो इनका फंक्शन है हमारे कंट्रोल में होता नहीं है, वो ब्रेन की कंट्रोल में होता है। वी यूजली नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मर्डली बाई थिंकिंग अबाउट एट वी कैन डू स्केलेटन मसल। जैसे कि हम स्केलेटन मसल्स होती हैं उनको अगर थिंक करें किसी भी स्केलेटन मसल्स को कि हम मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो स्केलेटन मसल्स तो हमारे मतलब कंट्रोल में, लेकिन ये जो मसल्स है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए ये एनसीईआरटी डायग्राम है, ये देखिए इसलिए हम इनको स्टार्चेशन कहते हैं, क्योंकि इनके आगे वाला जो पार्ट होता है वो नुकीला होता है। ये देखिए नुकीला पार्ट है, और ये इसका ओरिजिनल डायग्राम है, ठीक है। ये स्मूथ मसल फाइबर और ये ब्लैक ब्लैक डॉट इनके बीच का न्यूक्लियस,
अब बात आती है कार्डियक मसल्स, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे इम्पॉर्टेंट सब कुछ है जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। हम इस लेक्चर में हम आपको कॉकरोच वही पढ़ाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो सब कुछ है, जो जो नीट का जो सिलेबस है वो पूरा एनसीईआरटी ही है। तो हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है कि हम कॉकरोच और उनको छोड़ दें, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे बाद में। कार्डियक मसल्स टिशू इज कॉन्ट्रैक्टाइल एंड टिशू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। ये जो स्पेसिफिक जगह ही पाई जाती है जिसका एरिया है वो ही हार्ट है, क्योंकि जो हार्ट होती हैं उधर ही कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं। सेल जंक्शन फ्यूज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू मेक कार्डियक मसल्स एंड मेक स्टिक टुगेदर। जो सेल होती है वो एक दूसरे फ्यूज जाती है, चिपक जाती है और एक मसल्स बना लेती हैं। और द कम्युनिकेट बीच का जो जंक्शन होता है उसको इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, उनके बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। जो ये इंटरकैलेटेड डिस्क होती है वो मतलब जो हार्ट होता है, हार्ट में जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनमें पाई जाती है इंटरकैलेटेड डिस्क। और कुछ पॉइंट पे मतलब ये कुछ सेल होती है सिग्नल को रिसीव करती है कॉन्ट्रैक्ट। और ये जैसे मान लो हमारे पास एक सेल है, ये एक हार्ट की सेल है, तो अगर ये दूसरे एक दूसरे से कनेक्ट होंगी और ये कनेक्टिंग जंक्शन को क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। एक मिनट, ठीक है, ये जो कनेक्टिंग जंक्शन है इसको हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। और अगर एक मान लो कि अगर एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया हार्ट, तो ये जो डिस्क इससे कनेक्ट है ना, ये अपने आप इससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसी होती है इंटरकैलेटेड डिस्क बीच वाली इनकी, ठीक है। ये इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम और ये असली डायग्राम OS, मतलब जो पाया जाता है, ये इनके बीच के इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो लाइनिंग लाइनिंग दिख रही है आपको, ये क्रॉस सेक्शन होता है, बीच के जो ब्लैक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियाई होता है। तो ये देखिए, ये आपके लिए ब्यूटीफुल सा मैंने डायग्राम बनाया है। देखो, ये जो आपने मसल्स होती हैं, ये वाली ऊपर कौन सी मसल्स हैं, ये है स्केलेटल मसल, जो कि हमारी बोन्स के ऊपर पाई जाती हैं। तो देखिए बोन्स के ऊपर कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, हार्ट में। और ये स्मूथ मसल्स जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये देखिए, अब तीनों डायग्राम देखिए, ये कैसी है स्केलेटल मसल्स, ये है स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो आज के लेक्चर में हमने देखा क्या, हमने पहले पढ़ा मसल्स, मसल्स किससे बनके बनी होती है, फैसिकुलाई। और फैसिकुलाई किससे मिलके बने होते हैं, मसल फाइबर। और मसल फाइबर किससे बने होते हैं, मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल किससे बनके मिलके बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट और प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। ये हमने मसल्स पढ़ा। अब बात आती है स्केलेटल मसल्स की, स्केलेटल मसल्स कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है। और ये कैसी, ये मतलब बाइसेप्स होते हैं ना, वहाँ पाई जाती है। और ये एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज होके एक मसल्स का गुच्छा बनाती हैं, ठीक है, ओके। अब बात आती है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती हैं। स्मूथ मसल्स में क्या होता है, उनके फ्यूजी फॉर्म होती है, दोनों एंड जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, स्टमक में, ब्लड वेसल्स और इंटेस्टाइन की बॉक्स में पाई जाती है, ठीक है। स्मूथ मसल्स कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, इस पर हमारा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता है कि जब चाहे हम कुछ उससे करवा सकें कुछ। अब बात आती है कार्डियक मसल्स, जो कि स्पेसिफिक जगह हार्ट में ही पाई जाती है। कार्डियक मसल्स का क्या होता है, कार्डियक मसल भी इन्वॉलेंट्री होती है और ये इनके बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। ये तो हमने बात करी इनके बारे में। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो हमको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हम आपसे ऐसी लेक्चर लाते रहेंगे। आज का लेक्चर इसलिए छोटा था क्योंकि इसमें जो मसल टिश्यू है उसमें ज़्यादा पढ़ने को था नहीं, ठीक है। अगर आपने हमारा लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जब तक आप ये दोनों देख लें, फिर उसके बाद में अब हमारे जो लेक्चर हैं वो एक महीने में, वो एक हफ्ते में दो आएंगे, एक हफ्ते में दो, ठीक है। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, आप हमको इस सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।